दोस्तों, क्या आपने कभी इंसानों से भी बड़े केचुआ देखा है? और क्या कारण है कि इस इंसान ने अपने माथे पे इतना महंगा हीरा लगाया है? और क्या आपने इस धरती का आखिरी कोना देखा है? अगर नहीं तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ। तो दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है कि शौक बड़ी चीज है और इस शौक को पूरा करने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी शौक काफी महंगे और काफी अलग भी हो जाते हैं। तो जिसके चलते एक अमेरिकन रैपर लिल यूसी वर्ट ने अपने माथे पे एक पिंक कलर का 15 कैरेट का डायमंड को इम्प्लांट कराया है, जिसके लिए वह लगभग 7 सालों से पैसे जोड़ रहे थे। हैरानी की बात तो यह है कि इस पिंक डायमंड की कीमत 24 मिलियन यानी 175 करोड़ रुपीस है, जो कि काफ़ी नहीं बहुत ही ज़्यादा है। और अगर इनकी पूरी प्रॉपर्टी को भी जोड़ा जाए तो भी इस डायमंड की कीमत उनकी प्रॉपर्टी से काफ़ी ज़्यादा है। नंबर 9। तो दोस्तों, आप जो इमेज देख रहे हैं, इस इमेज को देखने के बाद आप सभी के मन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि यह कोई चेन है, लेकिन वह गलत है। यह कोई चेन नहीं बल्कि एक बोट है, जो कि जापान के रहने वाले यासुहिरो सुजुकी ने डिज़ाइन की है। यासुहिरो वैसे तो काफ़ी अच्छे डिज़ाइनर हैं, जिन्होंने यह काफ़ी बड़ी और काफ़ी अनोखी चेन के रूप में एक बोट बनाई है। यह बोट काफ़ी सुंदर और काफ़ी बड़ी है, और यह बोट जब चलती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि यह पानी को खोलते हुए आगे बढ़ रही है। नंबर 8। तो दोस्तों, आप सभी ने ओरियो बिस्किट जरूर खाया होगा, जो कि अपने बेहतर टेस्ट और डिज़ाइन के लिए भी जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, इस बिस्किट को बनाने की शुरुआत 1912 में की गई थी। और अगर आपने इस बिस्किट को गौर से देखा होगा तो इस बिस्किट के ऊपर बहुत ही यूनिक और डिफरेंट पैटर्न बना हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए कई डिज़ाइनरों को लगभग 4 साल का टाइम लगा था। जी हाँ, सिर्फ इस बिस्किट की डिज़ाइन यानी इस बिस्किट के ऊपर का डिज़ाइन को ड्रॉ करने में लगभग 4 साल का टाइम लगा था। नंबर 7। तो दोस्तों, वैसे तो हमारी पृथ्वी पर कई आदिवासी जनजाति के लोग रहते हैं, उन्हीं में से एक है दानी जनजाति के लोग। इन लोगों के रीति रिवाज काफ़ी यूनिक और काफ़ी अलग हैं। तो इसी के चलते अगर इस समुदाय के किसी परिवार में से अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उस परिवार की महिलाएं अपने हाथ की उंगली का ऊपर का हिस्सा काट देती हैं। तो इसी के चलते इन लोगों का मानना यह है कि ऐसा करने पे जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसकी आत्मा को शांति मिलती है। नंबर 6। दोस्तों, आप सभी में से बहुत से लोगों ने उल्लू यानी आंवल को तो देखा ही होगा। उल्लू देखने में तो काफ़ी सुंदर दिखता ही है और वह काफ़ी बड़ा भी दिखता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उल्लू के सारे पंख निकाल दिए गए तो वह कैसा दिखाई देगा? जी हाँ, आप जो इमेज देख रहे हैं वह उल्लू की है। जब उसके शरीर के सारे पंख निकाल दिए जाते हैं या झड़ जाते हैं तो वह कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। वह काफ़ी छोटा और काफ़ी पतला दिखाई देता है। और क्या आप जानते हैं, उल्लू अपने सर को लगभग 270 डिग्री तक घुमा सकता है। नंबर 5। दोस्तों, आप सभी ने काफ़ी रंग बिरंगी और खूबसूरत मछलियाँ देखी होंगी, और इन मछलियों को देखने के बाद आपका मन काफ़ी शांत और मन भी काफ़ी खुशी रहता होगा। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इस दुनिया की सबसे बदसूरत मछली कौन सी हो सकती है? जी हाँ, आज हम मिलवाने वाले हैं आपको इस दुनिया की सबसे बदसूरत मछली से, जो कि है वॉलफिश। वॉलफिश इस दुनिया की सबसे बदसूरत मानी जाने वाली फिश है, जो कि दक्षिणी पूर्व ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। नंबर 4। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों के मन में कभी ना कभी एक ख्याल जरूर आया होगा कि हमारी पृथ्वी का आखिरी कोना कौन सा हो सकता है, जहाँ जाके ज़मीन पूरी तरह ही ख़त्म हो जाए। तो मैं आपको बता दूं, इंग्लैंड में ससेक्स एक ऐसी जगह है, यहाँ पर जाके धरती यानी ज़मीन पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि धरती का यह आखिरी कोना है। और अगर आप इसके बाद देखते हैं तो आपको सिर्फ पानी पानी यानी समुद्री समुद्र दिखाई देगा। नंबर 3। तो दोस्तों, आज हम सभी लोग सुबह उठने के लिए अलार्म घड़ी या फ़ोन का यूज़ करते हैं, लेकिन जब अलार्म घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग सुबह कैसे उठते थे? तो इसके लिए वह एक देसी अलार्म का यूज़ करते थे। इसके लिए वह एक कैंडल यानी मोमबत्ती को एक लोहे की प्लेट में रख दिया करते थे।
और उस मोमबत्ती पे छोटी छोटी कीलों को पिंच करते थे और वह कीलों को कुछ इस प्रकार से पिंच करते थे कि वह हर एक घंटे में नीचे गिर जाती थी। इसी के चलते वह रात में उस मोमबत्ती को जला दिया करते थे और धीरे धीरे वह मोमबत्ती जलते हुए उस कील को नीचे रखी गई प्लेट में गिराती थी, जिससे काफ़ी तेज साउंड निकलता था और उस साउंड को सुनते ही लोग उठ जाया करते थे। नंबर टू, स्नेल यानी घूंगा अपनी धीरी रफ्तार के लिए जाना जाता है। वह काफ़ी धीरे रेंगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं घूंगा इस पृथ्वी पर रहने वाला एकमात्र जीव है जो कि लगभग 3 सालों तक लगातार सो सकता है। नंबर वन, तो दोस्तों आप सभी ने बारिश के मौसम में अपने घर या सड़क पर कहीं भी ना कहीं केंचुओं को रेंगते हुए जरूर देखा होगा, जो कि नॉर्मली 3 से 5 इंच के होते हैं और वह काफ़ी पतले भी होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है केंचुए जो कि इंसानों से भी बड़े हो सकते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जायंट गिप्सलैंड अर्थवॉर्म के बारे में। इस अर्थवॉर्म की साइज 3 से 10 फीट तक होती है। इसके चलते यह इंसानों से भी बड़े हो जाते हैं और यह काफ़ी मोटे भी होते हैं, तो जिसके चलते लोग इन्हें सांप भी मान लेते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी नॉलेज भरी वीडियो लाता रहता हूं।